किलोमीटर सही चला, ठीक है ना, उसका बाद से क्या होगा, झटका मरना स्टार्ट, तो ये बैटरी है डाउन। तो हम लोग फॉरेन का प्रॉब्लम था, इसलिए ये कंडेंसर का इस्तेमाल किए, तो हॉर्न बजना शुरू हो गया। फिर चलाए देखते अप एंड डाउन होता, झटका का प्रॉब्लम है तो सॉल्व नहीं है। करीब 15 से 20 मिनट मेहनत किए, फिर हम लोग पलाक खुले, पलाक भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों 6-7 महीना पहले हम पिस्टन लगे थे, मोबाइल करीब 700-800 ग्राम निकला, 100 ग्राम कम हो सकता है, 3,000-3,500 चला लिया, 100-200 कम हो सकता है, तो गाड़ी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर हमको डाउट हो गया, देखो ये बैटरी की बंद होने का प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, कार्बोरेटर से ट्यूनिंग जब RPM बढ़ाए थे तो थोड़ा बहुत सही होता है। फिर हम लोग को शक हुआ तो बैटरी लगाए, तो कोई आदमी आया पूरा FSD कर दिया, ठीक है ना, लोकिंग ग्लास को लंबू नाम उसका, बहुत लंबा है ना इसलिए। तो हम लोग जैसे नया बैटरी लगाए तो गाड़ी तुरंत जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, बैटरी हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना, और हमारे इंजन से तो देखे गाड़ी स्टार्ट है, गिरो मार बैठे, तो हम लोग सोचे थे एयर फिल्टर लगाए स्टील बट का, एयर फिल्टर के लिए हो सकता है, नहीं दोस्त एयर फिल्टर खुल दे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी में प्रॉब्लम था। जैसे बैटरी लगाते पिकअप तो ले लेता है, जैसे स्टार्ट बनाता है स्टार्टिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक से भी नहीं सही से, सेल्फ का तो छोड़ो, अभी बंद करते कर रहे हैं, अभी बिल्कुल सही है, बंद हो गया, मारेंगे सेल्फ, और इसका जो मेन रहा पिकअप का बैटरी, हाँ देखें अभी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। तो गाड़ी को करते हैं बंद, बंद हो गया, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, देखें ये बैटरी लगाए ना, पावर जन का बैटरी लगाए दोस्त, ये हो गया गाड़ी, देखो दोस्त ये टेक्निकल काम हो गया, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बैटरी से प्रॉब्लम, इसका अंदर में कोई प्रॉब्लम है, पिकअप प्रॉब्लम आ गया। तो दोस्तों बहुत कम ही होता है, 100 में से 1-2 गाड़ी निकल जाते हैं, मगर ये गाड़ी निकल गया ऐसा प्रॉब्लम, पलक से होता है, कार्बोरेटर से होता है, एयर फिल्टर से होता है स्टार्टिंग या पिकअप प्रॉब्लम, इसमें आ गया बैटरी से। तो दोस्तों टेक्निकल काम है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर सही से जाँच करना होगा, अगर बैटरी मेरे पास नहीं रहता तो दिक्कत हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, बैटरी हाई में हम लोग का पास अवेलेबल, और गाड़ी भी सॉल्व हो गया, सर्विस हो गया यार, टोटल 1160-1170 रुपया के आसपास भी लो, ठीक है ना, तो 1150 रुपया तो 10-20 रुपये कम देगा, तो 1150 देना होगा, फिलहाल जैसे बैटरी लगे अभी 1100 रुपये और ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे, सर्विस में है या प्रॉब्लम बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी हो गया हम लोग का सक्सेस। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,